तो भाई आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली कि स्किन साइन का किस तरह हम लोग यूज करें कि साइड इफेक्ट ना मिले। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि जो लोग स्किन साइन क्रीम यूज कर रहे हैं वो लोग ये वीडियो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में के लेफ्ट मार सकते हैं, मतलब कि स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग स्किप कर दीजिए क्योंकि आपके मतलब की नहीं हुई है वीडियो। और दोस्तों हाँ, अगर आप स्किन साइन नहीं यूज कर रहे हैं और अगर आप स्किन साइन क्रीम को यूज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल तौर पर मैंने बनाई है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लस घंटा चप्पल उतारने के बाद दबाइएगा। जी हाँ दोस्तों, चप्पल उतारने के बाद घंटे को जरूर दबाइएगा, बजाइएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है हमारी स्किन साइन क्रीम। अगर आपके भी दिल में इच्छा है कि स्किन साइन क्रीम एक बार भी यूज की जाए तो ये वीडियो आपके लिए है, बने रहिए शुरू से लेके अंत तक। तो भाई साहब इसकी करते हैं हम लोग MRP की बात। तो फिलहाल ये एक बहुत ही पॉपुलर क्रीम है इस समय। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपका जो चेहरा है मात्र 3 से 4 दिनों के अंदर हो जाएगा गोरा, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कई ढेर सारे साइड इफेक्ट जो कि मुझको ऐसा लगता है कि आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। और कोई भी जिन लोगों को साइड इफेक्ट हो जाते हैं उन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन डोंट वरी, जिन लोगों के साइड इफेक्ट हो गए हैं हमारे चैनल पे हैं तो बने रहिए हमारे चैनल पे, आते रेगुलर वीडियो आप लोगों को लेके आऊंगा। और अभी एक क्रीम मैंने बताई थी, स्किन प्रोटेक्टर क्रीम। जो लोग स्किन प्रोटेक्टर क्रीम नहीं खरीद सकते तो बेफिक्र रहिए, आपके लिए घरेलू नुस्खे भी हैं। मैं घरेलू तरीके बताऊंगा जो आपके मार्केट में आसपास चीजें मिल जाएंगी, उनके द्वारा भी अपने आप चेहरे को व्हाइट और गोरा बना सकेंगे। तो आज की वीडियो है हमारी कि स्किन साइन क्रीम का किस तरह यूज करें। दोस्तों ये पार्ट 1 है, तो सबसे पहले हम लोगों को लेना है हिमालय के फेस पैक। तो फेस पैक कुछ इस तरीके का दिखता है, तो आप कोई भी फेस पैक ले सकते हैं जो आप रेगुलर यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप बहुत ढेर सारे आते हैं, एवरयूथ का आता है, जॉय का आता है, कोई भी ले लीजिए जो आपके लिए अच्छा है या फिर आप रेगुलर यूज करते हैं, फिर आपके घर में कोई पड़ा हुआ, बस एक्सपायरी डेट ना हो इसका खास तौर से ध्यान रखिएगा, वरना आपके चेहरे पे आ सकते हैं ढेर सारे पिंपल। तो हम लोगों ने लिया फेस पैक। तो दोस्तों ये फेस पैक 20 रुपए का आता है, उसको हम लोग कर लेते हैं कट, यहाँ से फाड़ लेते हैं, एक ही होता है, मतलब कि सेम टू सेम होता है। तो इसको यहाँ से कर लेते हैं कट, क्योंकि दोनों शीशे में ही फेस पैक पाया जाता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का फेस पैक आपको देखने को मिलेगा। तो जब आपने फेस पैक खोला है तो गौर से देखिएगा, इस फेस पैक को बिल्कुल जरा सा ही लेना है स्किन साइन क्रीम के साथ, इसको आपको ज्यादा नहीं यूज करना है अपने फेस पे। तो कुछ इस तरीके का देखिए, बिल्कुल जरा सा है, और इसमें हम लोग थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो ये देखिए, बस एक चम्मच में ही आप लोगों को फेस पैक ले लेना है। तो आप देख सकते होंगे कुछ इतना सा फेस पैक आपको दिख रहा होगा जी दोस्तों। और अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लेना है स्किन साइन क्रीम। दोस्तों ये रही हम लोगों की स्किन साइन क्रीम, कुछ अंदर से इस तरह आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत सारे लोगों ने देख रखा होगा, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। और इसको कर लेना है, करना है ओपन। तो ये जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, इसको जो लोग यूज करेंगे उसको उन लोगों को साइड इफेक्ट नहीं मिलेगी कहीं से भी। तो हम लोग इसको कर लेते हैं ओपन, ये तो ये हो गई ओपन। और बस जस्ट जितनी क्वांटिटी में आपने ये क्रीम ले रखी है, सेम इतनी ही क्वांटिटी में आपको ये क्रीम भी लेनी है। तो देख सकते हैं थोड़ी सी कम है, हम लोग इसको कर लेते हैं थोड़ी सी बाहर। हाँ तो दोस्तों अब इसको हम लोगों को करना है मिक्स, मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। तो इस तरीके से कुछ ये मिक्स हो जाएगी। बाकी हिमालय फेस पैक की जो स्मेल वो काफी अच्छी है, और दोनों की जो स्मेल का कॉम्बिनेशन बन रहा है वो भी काफी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके तैयार हो जाए, अपने दोनों उंगली का ही लीजिएगा फेस पैक ब्रश से, इसको मत लगाइएगा अपने चेहरे पे, क्योंकि दिक्कत ये है कि फेस पैक जो ब्रश होता है उससे आप अगर लगाएंगे तो स्किन साइन की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी आपके फेस पे। तो इस तरीके का हम लोगों को कम से कम पूरे फेस पे कोई भी आप देख लीजिए, आंखों के आसपास मत लगाइएगा क्योंकि ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है अगर आप आंखों के पास इसको यूज करेंगे तो। तो आप लोगों को इस तरह पूरे फेस पे लगाना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है इसी तरीके से ड्राई होने के लिए। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको लगाने के बाद जब तक ये सूख ना जाए, मतलब कि टाइट ना हो जाए, तब तक कि इसको ऐसा ही बना रहने दीजिए। यदि मान लीजिए ठंडी का समय है तो आप इसको 8 से 9 मिनट दे सकते हैं, वरना गर्मियों के समय में ये 6 से 7 मिनट के बीच में सूख जाएगी। फिर भी इसको आपको 10 मिनट के ऊपर चेहरे पे मत रहने दीजिएगा, मतलब कहने का मतलब कि 10 मिनट बाद आपको इसको वॉश कर लेना है और उसके बाद आप अपने चेहरे पे फेयरनेस पाएंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा नुस्खा, छोटी सी टिप्स, छोटी सी जो जुगाड़ है, आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और दोस्तों यूज करके प्लीज मेरे चैनल पे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या
ज़्यादा मतलब कि इम्प्रूवमेंट दिखी आपने फेस पे, क्या ग्लो आया, क्या शाइन आया, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।